नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड। क्योंकि जो हकीकत है वो दिखेगा, तो हम आइए चलते हैं विजुअल की तरफ। मौसम बहुत सर्द है, लेकिन राजनीतिक दलों में सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। इस समय झारखंड में, खास करके रांची में 12 तारीख को चुनाव है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं हर पार्टियां अपनी अपनी ताकत दिखा रही हैं बाइक रैली के द्वारा। इसके पहले आपको हमने जेएमएम का बाइक रैली दिखाया था, आज भाजपा का बाइक रैली इस समय आप देख सकते हैं ओटीसी ग्राउंड से निकाला जा रहा है। सभी सदस्य सैकड़ों की संख्या में पहुंच चुके हैं। उससे पहले हम आइए जानते हैं भाजपा के लोगों से इस चुनाव के बारे में, क्या लग रहा है इस बार। इस बार भारी मतों से हमारे रांची के लोकप्रिय विधायक और मंत्री, नगर विकास मंत्री फिर से 1,00,000 मतों से जीत कर आ रहे हैं, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष टक्कर दे रही है, लेकिन जनता से हमारा यही आग्रह है कि जो झारखंड बनने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो विकास जो शुरुआत के 2-3 सालों में हुआ था, उसके बाद अस्थिरता का जो दौर हुआ, उसके बाद झारखंड काफ़ी पीछे चला गया था, लेकिन इन 5 वर्षों को अगर आप देखें तो 5 वर्षों में विकास, काफ़ी विकास हुआ है। और जो बाहर से भी लोग आते हैं तो झारखंड की प्रशंसा करते हैं, तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस बार पुनः सरकार बनेगी। सुखदेव नगर मंडल महामंत्री हैं, हम आइए इनसे भी जानते हैं। हम लोग रांची में 1,00,000 पार कर रहे हैं, और रह गया सवाल झारखंड के, तो झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। जनता मूड बना ली है कि केवल बीजेपी को ही वोट देना है और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। महानगर कोषाध्यक्ष भी हैं, हम आइए इनसे भी दो बातें जानते हैं। जी, क्या कहेंगे इस बार? रघुवर जी के 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, जितने विकास हुए और जितने विकास कार्य अभी ऑन द वे है, रास्ते पर है, उतने विकास आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था। और माननीय नगर विकास मंत्री जी, रघुवर जी के सरकार के कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में जो विकास किया वो भी एक ऐतिहासिक क्षण रहा है। और माननीय मंत्री जी को हम लोग उम्मीद है कि 1,00,000 से अधिक मतों से जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से। आपको क्या लगता है इस बार? इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और विकास की जो धारा बही हुई है, जनता उसको रोकने के मूड में नहीं है, विपक्ष कहीं नज़र नहीं आ रही है। और हम लोग रांची की सीट तो 1,00,000 के भारी अंतर से जीत रहे हैं, और इसी तरह से पूरे झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आज जो ये विशाल बाइक रैली निकलेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि हम लोग रांची विधानसभा में 1,00,000 मतों से अपने सीपी सिंह जी को जिताएंगे और पूरे झारखंड विधानसभा में रांची विधानसभा को अव्वल बनाएंगे। आपको देख करके अभिनंदन जी का याद आ गया, क्या कहेंगे इस? मैं उसी समय से ही रखा हूँ जो समय से अभिनंदन का पाकिस्तान में हुआ था, उसी समय से उसी का सिद्धांत पे चलता हूँ मैं। आप कहाँ से हैं? हम चुटिया थाना के बगल में रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय चक्रवर्ती। अभिनंदन जी के बारे में तो सब क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छे आदमी है, जो देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मतलब उस समय से ही मुछों को रखे हैं? बस उसी समय से रखा हूँ मैं। बिल्कुल, जैसा कि आप इनको मूछों को देख करके आप जान सकते हैं कि किसकी याद आ रही होगी। तो इस रैली में अनेकों प्रकार के भी लोग पहुंचे हुए हैं, जैसा कि अभी आपने अभिनंदन जी का हम सभी को देखा। इस समय आप देख सकते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेतागण सत्यनारायण सिंह को भी आप देख सकते हैं, साथ में माननीय विधायक रांची के सीपी सिंह को भी आप देख सकते हैं, पहुंच चुके हैं। अब इस बाइक रैली का शुरुआत आगाज करने के लिए उनको फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। सभी भाजपा के सदस्यगण इस समय माननीय सीपी सिंह का स्वागत करते हुए फूल मालाओं से, और कुछ देरों में ये संख्या बल बाइक रैली रांची के सड़कों पर दिखेगा आपको, जैसा कि आप विजुअल में भी आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में इस समय बाइक रैली रांची की सड़कों पे। तो हर पार्टियां अपनी अपनी ताकत आजमा रही हैं, अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं। इस समय देख सकते हैं दो युवतियों को भाजपा के रंग में पूरा रंगी हुई,
और हर कार्यकर्ताओं में अपने अपने पार्टी को लेकर के जुनून। आने वाला वक्त चुनाव का कि आखिर ताकत किस पार्टी ने आजमाया और किसको रांची की जनता ने स्वीकार किया और किसको अस्वीकार किया। तो हमारा हर हमेशा आपसे अपील है, हमारा कम्युनिटी बॉक्स में भी एक पोल चल रहा है कि आप वोट जरूर दें, बहुमूल्य वोट अपना जरूर दें, क्योंकि हमारी ही ताकत है कि इन नेताओं को हम राज सिंहासन तक पहुंचाते हैं। तो सही को चुने और वोट जरूर दें, अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें, चाहे वो दल कोई भी हो। सोच समझ के किसी के बहकावे में ना आकर के और अपना वोट जरूर दें। तो पिछला मोड़ से ये बाइक रैली अब गुजर चुका है और प्रशासन की ड्यूटी अब शुरुआत। जहां से भी ये पदयात्रा या बाइक रैली गुजरेगा वो स्थिति यही होगी। धन्यवाद, ख्याल रखें, देखते रहें एसएमपी झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।